हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स आपकी स्किल को इम्प्रूव कर रही होंगी, देन साथ साथ जो हम जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स में वो एकदम आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। क्योंकि यार, जब भी हम कोई रियल चीज़ में, जब हम कोई रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनमें हम जब कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो और हमारी अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। जैसे कि यार, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल पर एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो यार, हमने वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप 10 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की ही बात करने वाले हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हम टॉप 10 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ये एक एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। इसमें आप और ज़्यादा लर्निंग हो रही होंगी आपकी, और ये आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्योंकि थोड़े एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट नंबर पर प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट होगा बल्ब ऑन ऑफ प्रोजेक्ट। बेसिकली देखा जाए तो ये बल्ब ऑन ऑफ प्रोजेक्ट बिगिनर लेवल का ही है, लेकिन मैंने इसको इस टॉप 10 के अंदर फर्स्ट नंबर पर रखा है। वो इसलिए रखा है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, बल्ब ऑन ऑफ को, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए मैंने एक ही प्रोजेक्ट है बिगिनर लेवल का, बाकी सब एडवांस लेवल के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट से जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट नंबर पर इसीलिए रखा है कि इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप आगे के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। तो देखिए, जो बल्ब ऑन ऑफ प्रोजेक्ट है, इसका सिंपल लॉजिक क्या है? इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब हम ऑन बटन पर क्लिक करें तो यार बल्ब ऑन हो जाए, और जब ऑफ पर क्लिक करें तो बल्ब ऑफ हो जाए। मीन्स जब ऑन पर क्लिक करें तो बल्ब कैसा हो जाए? येल्लो कलर का हो जाए। इस तरीके से हमारे सिंपल लॉजिक है। तो किस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर यूज़ किया है, क्या हमारा लॉजिक रहा है इसको बनाने में, इसके पीछे का हमें ये लर्न करना है कि हमें क्या लॉजिक लगाना है, मेन बात ये होती है। तो फर्स्ट नंबर पर इसीलिए मैंने बल्ब ऑन ऑफ प्रोजेक्ट को रखा है, और सभी प्रोजेक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर जाकर चेकआउट करें। देन हमारे पास सेकेंड नंबर पर आता है कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। अब ये कैलकुलेटर प्रोजेक्ट देखा जाए तो बहुत ईजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। ये एक इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है, जो कि यार आपको बहुत चीज़ें इसमें सिखा रहा हूँ कि आप इसमें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो आ जाएगी कि यार, मैं जब बटन पर क्लिक करूँ तो वो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा हो, जब हम प्लस पर क्लिक कर रहे हैं तो प्लस हो रहा हो। तो ये जो लॉजिक हमने इसके पीछे लगाए हैं कैलकुलेटर प्रोजेक्ट के पीछे, ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट में हम ये सीखने वाले हैं। तो हमने सेकंड नंबर पर रखा है कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को। देन हमारे पास आता है थर्ड नंबर पर टू डू लिस्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब ये टू डू लिस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या होता है, मैंने ये जो टू डू लिस्ट बनाई है, बहुत इसको ईजीली मैंने बहुत ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार ना मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स पर इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बहुत ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश की। देखिए, इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि जब हम कुछ लिख रहे हैं, बेसिकली कुछ इंटर कर रहे हैं, और ऐड बटन पर जब मैं क्लिक करूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो नीचे ऐड हो जाए, है ना। ये हमारा इसमें सिर्फ सिंपल लॉजिक है। और उसके साइड में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक डिलीट का आइकन है कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो ही सिर्फ डिलीट हो रहा हो। तो इसमें जो तीन चार ही लॉजिक है कि जब मैं कुछ ऐड करूँ तो मेरा ऐड हो जाए नीचे, जब मैं डिलीट करूँ तो वो डिलीट हो जाए। तो ये इसमें तीन चार ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे उसका क्या लॉजिक लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने हर एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, डीप तरीके से समझाया, तो प्लीज़ मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। देन आता है हमारे पास फोर्थ नंबर पर प्रोजेक्ट QR कोड जनरेटर। अब ये आप देख सकते हो QR कोड जनरेटर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये देखिए QR कोड जनरेटर दिखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हार्ड प्रोजेक्ट होगा, लेकिन यार ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। इसमें हम API का यूज़ करने वाले, और आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर टॉप 10 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट लिए, ये सभी डिफरेंट है। इसमें हम API का भी यूज़ कर रहे हैं, किसमें हम अलग अलग लॉजिक्स का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको टॉप 10 में प्रोजेक्ट्स में रखा है। क्या आप देख सकते हो QR कोड में हम सिंपली क्या करेंगे, जो QR कोड की एक API है हमारे पास, उसका यूज़ कर रहे होंगे। और बहुत सिंपल तरीके से हमने बनाया कि हम जो भी यहाँ पर इंटर करेंगे, जैसे
अगर हम अब हमारे चैनल का नाम कोड विद सुफियान शेख लिख रहे हैं और जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अगर हम youtube.com लिख रहे हैं और जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमने सिंपल एक API का यूज़ किया और API का किस तरीके से यूज़ करते हैं आप इस प्रोजेक्ट में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को ज़रूर जाके चेकआउट करें। देन हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, होगा नंबर 5, वो है क्विज ऐप। अब यार क्विज ऐप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार क्विज ऐप में हम एक जेसन फॉर्मेट की फाइल भी बनाते हैं। जेसन आप आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रोजेक्ट के अंदर जाए आपको पता चल जाएगा कि हमने एक जेसन बना के रखा है जिसमें हमने पहले से क्वेश्चंस लिख रहे आंसर लिख रखे हैं, जैसे व्हेन जावास्क्रिप्ट डेवलप उसके आंसर ऑप्शंस और उसके आंसर भी लिख रखे। तो क्विज ऐप यार बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें हमारे पास लॉजिक होंगे कि जब यार यूज़र ऑप्शंस पर क्लिक कर रहे हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो फिर उसको हमारे पास एक कंप्लीट, फॉर एग्जांपल उसने 5 क्वेश्चन क्विज के खेले तो उसको 5 में से कितने मार्क्स आए वो हम दिखा रहे होंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यूअर स्कोर, इस तरीके से हम यूअर स्कोर में दिखा रहे हैं 4 out of 3 इस तरीके से। और फिर हमारे पास जब हम लास्ट पर पहुंच जाएंगे तो हमारे पास एक और बटन आ जाएगा, नेक्स्ट की जगह एक बटन आ जाएगा प्ले अगेन का, तो उस पर जैसे क्लिक करें तो हम फिर से खेल सके। तो हमने कंप्लीट क्विज ऐप को बनाने की कोशिश की है और बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप ज़रूर जाकर चेकआउट करें। देन हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, काउंटडाउन टाइमर। अब यार ये काउंटडाउन टाइमर, जैसे कि यार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ रिलीज़ होने वाली होती है, जब भी कोई चीज़ जैसे सॉन्ग रिलीज़ होने वाली होती तो एक उसका काउंटडाउन टाइमर चलता है ना, कि ये इतने हावर्स बाद इतने मिनट बाद ये रिलीज़ होगा कुछ चीज़। तो उसी तरीके से हमने एक काउंटडाउन टाइमर बनाया और ये बेसिकली इसका लॉजिक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो लॉजिक काम करता है यार, कोई भी प्रोजेक्ट के पीछे बनाने की एक लॉजिक काम करता है जिससे हम कम कोड में एक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते। तो आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को भी जाकर चेकआउट करें। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टिक टैक टोय गेम। अब यार ये जो टिक टैक टोय गेम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो हम टिक टैक टोय गेम खेलते थे वो हमने उसको पूरी बनाने की कोशिश की है और मैंने यार इसको बहुत ही ईजी तरीके से आपको बनाया है और समझाया है कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को यार बहुत मज़ा आएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि टिक टैक टो गेम, क्यूआर कोड, इन प्रोजेक्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपकी इसमें इन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लर्निंग है, क्योंकि यार ये प्रोजेक्ट आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, वो है वेदर ऐप। अब यार वेदर ऐप बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि बहुत इजी प्रोजेक्ट भी है बनाने में। तो ये प्रोजेक्ट में भी हम API का यूज़ करने वाले हैं, वेदर API का यूज़ करने वाले। अब API को किस तरीके से यूज़ करते हैं, फेच कैसे करना है, API को किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ये प्रोजेक्ट में हमने सब कुछ एक बेसिक से बताया है कि सबसे पहले API कहाँ से लेंगे हम, फिर इसको यूज़ कैसे करना है इस तरीके से। तो वेदर ऐप में यार मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है बनाते वक्त, और जब आप इसको आपके सिस्टम में भी यूज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चेक करना है वेदर तो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट को भी मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, प्लीज़ ज़रूर जाके इसको चेकआउट करें। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट पासवर्ड जनरेटर। तो देखिए जो हमने यार ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बेसिकली ये हमने एक यूज़फुल प्रोजेक्ट्स बनाए, ऐसे नहीं कि हमने बस ऐसे ही बना दिए। अब ये प्रोजेक्ट से हम बेसिकली वेदर चेक कर सकते हैं, टिकटॉक पर एक गेम खेल रहे, पासवर्ड जनरेटर जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या हो रहा होगा कि देखिए हमारे पास ना अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है तो उसमें देखिए अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिम्बॉल ये होना चाहिए। तो हमने पासवर्ड जनरेटर में ये चीज़ों को लगा है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको अपर केस लोअर केस ही चाहिए आपके पासवर्ड में तो आप सिर्फ अपर केस लोअर केस पर टिक करें, आपको नंबर और सिंबल नहीं मिलेंगे। अगर आपको नंबर और सिंबल भी चाहिए तो आपको सब जगह टिक कर देना है और क्रिएट पासवर्ड पर सिर्फ आपको क्लिक करना है, आपको ये डिफरेंट पासवर्ड क्रिएट करके देगा। तो ये हमने यार एक यूज़फुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्लीज़ यार आप ज़रूर जाकर चेकआउट करें। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रॉक पेपर सीजर गेम। तो
आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने कई बार खेला होगा रॉक पेपर सीजर जो हम लोग खेलते थे। हमने उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से उसका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा होगा बेसिकली यार कि जैसे यूज़र जो यूज़र है यूज़र के पास तीन ऑप्शन है रॉक पेपर सीजर। जब यूज़र अपनी मर्जी से कोई भी किसी पर भी क्लिक करेगा जैसे रॉक पर तो कंप्यूटर भी अपनी तरफ से कुछ भी वो देगा है ना। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर कि रॉक है हमारी तरफ से रॉक है कंप्यूटर की तरफ से क्या है सीजर है। तो जो रॉक है जो रॉक पेपर सीजर का रूल होता है कि रॉक सीजर को तोड़ देगा तो इसीलिए आप देख सकते हो कंप्यूटर का स्कोर हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से यार हमने कंप्लीट रॉक पेपर सीजर का गेम बनाया है और इस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ आप ज़रूर जाके इसे चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और ये जो टॉप 10 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट से ये आपको बहुत हेल्पफुल कर रहे होंगे, आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल कर रहे होंगे और जो आप जावास्क्रिप्ट के जो कंसेप्ट है वो आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे जब हम एक रियल प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। क्योंकि जब हम कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉर लूप हो गया API कैसे यूज़ करते हैं, देखिए हमने ये तो देख लिया कि API इस तरीके से यूज़ करते हैं लेकिन अब वेदर ऐप के लिए किस तरीके से यूज़ करना है API को,